धनबाद कोयलांचल में एक बार फिर निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित समूह के बच्चों के नामांकन का मामला विवादों में आ गया है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में हंगामा भी किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह एवं शमशेर आलम सहित अन्य लोगों के जिला शिक्षा अधीक्षक से इस मुद्दे पर काफी तीखी बहस भी हुई। हालांकि बाद में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा स्कूल प्रबंधन को एफिडेविट पर चयन प्रक्रिया के आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल मामले का जड़ डीएवी स्कूल जामाडोबा है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित समूह के विद्यालय में नामांकन में धांधली को लेकर कांग्रेस नेता डीएसी कार्यालय पहुंचे थे। देखिए, हम अभी घर पहुंचे ही थे तो हमको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने फोन किया कि डीएसी ऑफिस में कुछ मामला है और आप आ जाते तो समझा करके वो काम हो जाता। हम लोग तो हम लोग आए, हम थे, शमशेर आलम भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, अभिभावक लोग हैं। तो हम आए तो इंदुभूषण बाबू जो हमारे डीएससी साहब हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण उनके साथ हुई है और जो होना चाहिए था, हर स्कूल में बीपीएल कोटा है या जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए एडमिशन के लिए सीट रिजर्व रखा जाता है, तो ये प्रक्रिया चल रही थी और इसी कार्यालय से सारी प्रक्रिया भी है। उसके बाद जो विद इन 1 किलोमीटर जो रहने वाले हैं, जो वहाँ के रेसिडेंट हैं, उन्हीं को एडमिशन लिया जाएगा जो विकर शिक्षण के, तो समूचा ये सब प्रक्रिया हो गया था। लेकिन किसी कारण से कोई अपने बच्चे को कोई दूसरे लोग कराना चाहते हैं जो बाद में आए, उसी कारण रुक गया था। अभी इंदुभूषण बाबू प्रिंसिपल को बोल दिए एडमिशन लेने के लिए और हम समझते हैं कि किसी भी तरह की कोई यहाँ न गलती है, न पदाधिकारी की गलती है और न किसी भाजपा के लोगों की गलती है, न कांग्रेस के लोगों की गलती है। जब गलती जो प्रक्रिया, एक प्रक्रिया के तहत ये काम, हंगामा क्यों? कोई नहीं हंगामा हुआ है। अगर हंगामा होता तो फिर बरपा को कोई हंगामा नहीं, आप लोग हम हंगामा करा देते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इंदुभूषण बाबू हमारे झारखंड सरकार के बहुत पुराने पदाधिकारी हैं और इन्होंने जो भी किया है वो नियम संगत काम किए हैं। हम ऐसे पदाधिकारी को हम तारीफ करना चाहते हैं कि नियम से के अनुसार ये काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। काफी हंगामा हो रहा है यहाँ पे। मामला था डीएवी पब्लिक स्कूल जामाडोबा के नामांकन वीकर सेक्शन ऑफिस से मांगते थे और इस प्रसंग में हमको यह कहना है कि आज के जो है सेंसिटिवनेस को देखते हुए मैं स्वयं वहाँ गया और जो 1 किलोमीटर के अंदर में जो बास करते थे हमारे वीकर सेक्शन, उनको चयन की प्रक्रिया को मैं स्वयं पूर्ण किया और उसमें जो शिकायत करता थे वो आपको मनोज कुमार मिश्रा जी थे, आपको अभिभावक संघ या महाअभिभावक संघ जो भी कहते हैं, उसके बाद एक आपको सांसद प्रतिनिधि जी थे, दो हमारे जो है पूर्व पार्षद रहे, हम उनके सामने वो पूरा स्क्रूटनी किया। ये स्क्रूटनी करने के बाद कहें कि देखिए ये लोग को चयन जो है एकदम नियम संगत है, अब आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। उन लोगों के द्वारा कहा गया कि एक दूरी पर हम लोग का संख्या है, खास करके वो माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि थे, कल हमको मालूम हुआ कि वो नाम अभी फिर भी बोल गए, नाम भैया हाँ सुजीत कुमार, तो हम हालांकि उनको बोलबो किए कि भाई ये तो ऐसा नहीं होता है कि ये वार्ड नंबर अगर आपको 1 किलोमीटर के अंदर है तो उसको 1 किलोमीटर माना जाता है, अब उसका घर से नापी उपी होता नहीं, तो कहेंगे नहीं सर ये गलत है वो गलत है। तो हम बाहर में निकल के हमारे सारे जिनका बच्चा चयनित वो सारे वहाँ थे, हम उनसे एक तरह से अनुरोध किए कि देखिए भाई इसमें जो है किसी तरह से आप लोग में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्रार्थना है, आप लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिनको पर इनको है कि नहीं दूरी ज्यादा है तो आप भी रहिएगा, ऐसा बात नहीं है कि छुपे छुपे ही चले जाएंगे, जा करके बोल करके चलाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
आप भी रहिएगा, ये भी रहेंगे और जो है आपको एडमिशन ले लेना। इसी बीच में जो है आपको ये लोग को भी, तो चूंकि बच्चा का नामांकन चयनित हो गया है और 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो गया है, तो स्वाभाविक है हम भी इनके जगह पर रहते तो वही होता कि जल्दी से नामांकन हो, जिससे बच्चा का हमको जो है पठन पाठन जो है प्रारंभ हो जाए। तो बीच में हमको लग रहा है कि 1 सप्ताह या 10 दिन पहले ये लोग आए थे, तो हम कहें कि ठीक है। फिर उस समय भी हालांकि हम प्रिंसिपल साहब से बात किए थे कि भाई इन लोग का एडमिशन दे लीजिए, यदि किसी प्रकार का आपको संदेह है तो एफिडेविट ले लीजिए, सुनिए ताकिए एफिडेविट ले लीजिए और एडमिशन लीजिए। तो उन्होंने एडमिशन एफिडेविट ले लिया, कल जो